का स्वागत और करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में स्वराज एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। संस्कृति पर्यटन और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि संस्कृति विभाग को लेकर जो स्वराज एक्सप्रेस ने तमाम घोटाले और कमीशनखोरी लोक कलाकारों की उपेक्षा की खबर को उठाया, इसको लेकर कल ही विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली जाएगी। मंत्री ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत की हमारे स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। मंत्री जी, ये जो संस्कृति विभाग में जो अधिकारी हैं, वो बड़े अधिकारी जैसे हैं, उनकी घर की जो बहू बेटियां हैं उनको कला के नाम पे पैसा बहाया गया उन पर, लेकिन जो कलाकार हैं वास्तव में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था ये तो मैं नहीं जानता, पर अभी हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी और हमारा विभाग, मैं स्वयं, हम लोग बहुत फेयर और फ्रेश काम करेंगे। चाहे वो नेता मंत्री के घर का हो, चाहे अधिकारी के घर का हो, उसे कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी। और पहले जो किया गया होगा वो हमारी जानकारी में, अब समीक्षा का दौर शुरू हो गया है, कल ही मैं संस्कृति विभाग का और पर्यटन का समीक्षा करूंगा, तो समीक्षा में जो बात सामने आएगा और कार्यवाही करने को होगा तो निश्चित तौर पर किया जाएगा। और ये ईमानदारी से कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के चाहे वो कलाकार हो, गायक हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा जो भी है उसको प्राथमिकता मिलेगी, कलाकार को, गायक को, सबको, इसमें कोई दो मत नहीं रहेगा। हमेशा से ये सवाल उठता रहा है कि जो पैसा देता है उनको कार्यक्रम मिलता है और जो नहीं देता उनको नहीं मिलता, ये आरोप हमेशा से लग रहे हैं। देखिए, इस विषय पे तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर कोई हमारा अधिकारी कर्मचारी पैसा लेता है तो काम देता है, ऐसा अगर है तो जानकारी देनी चाहिए, सख्त कार्यवाही होगी, तत्काल उसको सस्पेंड करेंगे और नौकरी से भी हटाने की कार्यवाही करेंगे, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया ना हो। लेकिन मैं पैसा देने वालों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपको काम मिले इसलिए आप पैसे देने की शुरुआत करो, आप भी मत करो, और हम लोगों को बताओ ताकि हम लोग व्यवस्थित कैसे करें कि सबको काम मिले। जैसे अभी मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है, अपने डायरेक्टर को, कि जितने समितियां हैं लोक कलाकारों की छत्तीसगढ़ में उनको एक लिस्टेड कर लो, और लिस्टिंग करके सबको बराबर काम मिले ये कैसा हो ये नियम बना दो। जैसे ग्रेड वाइज कर लो, या सबको चार चार काम मिले ऐसा कर लो। तो जो काम कहीं भेजने को होता है तो लोग मांग करते हैं हमको अमुक का कार्यक्रम दो, तो वो कार्यक्रम की मांग करें, अमुक कार्यक्रम दो ये मांग मत करें। तो आप जो मांग करोगे उसमें तीन चार ऑप्शन दे दो, वो नहीं मिला है तो उसको देंगे, अगर उसको छह काम मिल गया तो उसको नहीं देंगे, हम दूसरे को देंगे, ऐसा कुछ नया नियम बनाएंगे। मतलब मापदंड निर्धारण किया जाए, निर्धारण जो पहले नहीं था, जो नहीं था वो करना चाह रहे हैं, चर्चा है इस विषय पे, क्या अच्छा हो सकता है, सुझाव जो आएगा बेहतर उसके हिसाब से हम लोग अच्छा नियम बनाएंगे। सर, ये जो अधिकारी होते हैं कहीं उड़ीसा के होते हैं तो कहीं तेलंगाना, मतलब स्टेट के बाहर के होते हैं, तो जब तक वो समझते हैं उनका ट्रांसफर के दौर आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेंगे आप? देखिए, पूरा भारतवर्ष एक है और किसी दूसरे प्रदेश के आदमी यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी दूसरे प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। पर किसी भी भाग में जो अधिकारी कर्मचारी पदस्थ है, कार्यरत है, वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए। बस मैं इतना चाहता हूँ, अगर वो ईमानदारी से निभाएगा, जहाँ रह रहा है, जहाँ का खा रहा है, जहाँ का वेतन ले रहा है, और वहाँ के विकास के लिए जो जिम्मेदारी उसको मिली है उसको ईमानदारी से पूरा करे, तो मैं समझता हूँ कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई शिकायत नहीं होगी। कलाकारों से आपसे काफी उम्मीद है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी संस्कृति विभाग को लेकर, कल्चर को लेकर? देखिए, मेरी कोई रणनीति नहीं होगी, मैं सबकी मीटिंग लूंगा, माने कलाकार की, गायक की, लेखक की, साहित्यकार की, जो छत्तीसगढ़ के हर विधा से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे वो नाचा वाला हो, जो है, उनके क्या सुझाव आते हैं वो मेरी रणनीति होगी। वो बेहतर जितना अच्छा सुझाव देंगे, कॉमन एजेंडा बन जाए कि ज्यादा से ज्यादा सुझाव एक मत से आ जाए, तो उसको हम अपनी सरकार की नीति में तैयार में लगा देंगे, ताकि उनको लाभ हो, छत्तीसगढ़ की लाभ हो, छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ हो।
अभी हमने बात की संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज ध्वज साहू जी से, जिन्होंने साफ कहा है कि जो अधिकारी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी और संस्कृति और जो कल्चर है, कला है, इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए उनके पास एक अलग रणनीति है, वो सभी कलाकारों से सुझाव लेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी। कैमरा मैन रेखराज के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।